Dipya and you are watching me on official YouTube channel reviewada.com. So friends, last video में हमने discuss किया था Prim Allen Welliker Institute of Management and Research के बारे में, जिसमें मैंने आपको 5 points के बारे में बताया था. मैं एक बार rewind करा देती हूँ. 5 points कौन-कौन से हैं? Faculty, आपको student diversity, facilities, placement and admission procedure. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इन सबको ब्रीफ किया था और नेगेटिव रेटिंग्स कहां-कहां पे मिली हैं प्रिम एलन वेलिंकर को, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. और ओवरऑल कितने थम्स रिव्यू अड्डा की टीम देती है प्रिम एलन वेलिंकर को, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कहां-कहां पे इसकी रेटिंग्स जो है नेगेटिव गई हैं. अगर मैं फैकल्टी की बात करती हूं तो फैकल्टी जो है, हमने देखा था जो टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी है वो आपका 97 है, व्हिच इज वेरी लेस. 97 मैं समझती हूं कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, कम नंबर है 97 फैकल्टीज का. अगर मैं एलुमनाई की बात करती हूं फ्रेंड्स, तो एलुमनाई कनेक्शन भी इनका कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, सिर्फ 10,000 एलुमनाई कनेक्शन है इनके. एंड थर्ड, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट इनके पास नहीं है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है. इनके पास एक भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं है इस कैंपस में. अगर कॉर्पोरेट परसेप्शन की बात की जाए, तो कॉर्पोरेट परसेप्शन में हमने देखा था कि फर्स्ट प्रेफरेंस कंपनी जो भी आती है प्लेसमेंट के लिए, तो उनका महाराष्ट्र में जो है मुंबई में, जहां भी कैंपस है प्रिम एलन वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च का, तो फर्स्ट प्रेफरेंस कंपनी की होती है जमुनालाल. सेकेंड उसका एसपी जैन होता है. एंड थर्ड प्रेफरेंस होता है प्रिम एलन वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च. तो यहाँ पे एक नेगेटिव रेटिंग मिलती है इस इंस्टीट्यूट को. एंड अगर मैं कैंपस में बात करूं हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो हॉस्टल फैसिलिटीज आपका जो है वो तो सही है हॉस्टल फैसिलिटीज, बट वो कैंपस में नहीं है. 2 किलोमीटर आपको डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है. एंड फैसिलिटीज में मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करूं, तो स्पोर्ट फैसिलिटीज भी बहुत लिमिटेड है. अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो हमारी रिव्यू अड्डा की टीम ने प्रिम एलन वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च को दिए हैं 2.5 थम्स आउट ऑफ 5 थम्स. सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिए. अब मैं बुलाना चाहूंगी अपनी नेक्स्ट कलीग को, वो आपको नेक्स्ट टॉप डी स्कूल्स के बारे में बताएंगे. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, दिस इज गीता एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल reviewada.com. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स, बिकॉज आप लोगों की वजह से हमारा जो लेटेस्ट सीरीज जो हमने अभी लॉन्च की है वो है टॉप 50 बी स्कूल्स के, वो काफी अच्छी जा रही है, हमें काफी अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं. और आज जो मैं इंस्टीट्यूट और कॉलेज लेके आई हूँ वो है बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडल मैनेजमेंट. इसके ऊपर मैं 5 पैरामीटर्स के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट पैरामीटर होगा फैकल्टी प्रोफाइल, देन स्टूडेंट डाइवर्सिटी, फैसिलिटीज, प्लेसमेंट्स एंड एडमिशन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग. बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडल मैनेजमेंट जो है, ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1999 में, और तब उसका नाम जो था अग्रसेन हाई स्कूल में है, हाई स्कूल था, और इसके पुणे में सेटअप है. एंड इसमें जो अप्रूवल है एमबीए के लिए, तो ये 1999 में ही अप्रूवल था, बट पीजीडीएम का अप्रूवल इनको 2005 में मिला है, और इनका फर्स्ट बैच जो स्टार्ट हुआ था वो 2006 में हुआ था. अब जो मैं आपको फर्स्ट पैरामीटर जो मैंने आपको अभी बोला है वो है फैकल्टी, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी. तो फैकल्टी में हमारा जो फर्स्ट सब पॉइंट आता है वो आता है फैकल्टी प्रोफाइल, कि फैकल्टी का बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो मैं आपको फैकल्टी प्रोफाइल में बताऊंगी. तो इसमें जो फैकल्टी प्रोफाइल है, इसमें मोस्ट ऑफ द फैकल्टी है आपकी पीएचडी होल्डर्स हैं, और इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है. टोटल फैकल्टी अगर बोले तो 53 है, उसमें से आपको पीएचडी होल्डर्स फैकल्टी जो है 11 पीएचडी होल्डर फैकल्टीज है. देन सेकेंड जो टॉपिक है वो है गेस्ट फैकल्टी. आपके जो फैकल्टीज, जो गेस्ट फैकल्टीज, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है. एक इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म में आपकी जो फैकल्टीज आती हैं, मतलब किसी और यूनिवर्सिटीज से जो टाई अप होते हैं, उसमें से कितनी उन कॉलेजेस से जो फैकल्टीज आती हैं टू प्रोवाइड द गेस्ट लेक्चर, वो कितने टाई अप्स हैं बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के, वो मैं आपको बता देती हूँ. तो यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टीज के कोई टाई अप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज द गेस्ट लेक्चर. एंड द थर्ड सब पॉइंट इज द फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो. और फैकल्टी और स्टूडेंट का क्या रेशियो है, तो अगर ओवरऑल रेशियो देखा जाए तो फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो जो है 1:40 है. मतलब फॉर एवरी स्टूडेंट देयर इज ओनली वन फैकल्टी, जो कि इतना अच्छा रेशियो नहीं है. ओके, देन द टॉपिक इज द टीचिंग स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन. इट मीन्स कि स्टूडेंट्स आर टीचिंग मेथड्स, जो उनकी फैकल्टी की जो टीचिंग मेथड्स है उतने उससे कितना सेटिस्फाइड है. तो यहाँ पे जो हमारे पास रफ डेटा है उसके अकॉर्डिंग 70% स्टूडेंट्स ही सेटिस्फाइड हैं उनकी फैकल्टीज की टीचिंग मेथड से. देन हमारा जो लास्ट इसका सब टॉपिक है वो है अटेंडेंस परसेंटेज. मतलब कितने स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं एक फैकल्टी की सेशन, वो यहाँ पे 80%. तो काफी इंटरैक्टिव सेशन आई गेस टीचर्स यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, सो दैट यहाँ पे 80% स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं एक एवरेज क्लास को. तो ओवरऑल रेटिंग जो टीम हमारी रिव्यू ऑर्डर टीम देना चाहती है ऑन द फैकल्टी पैरामीटर, दैट इज 2 thumbs out of 5 thumbs. कमिंग टू द सेकेंड पैरामीटर, दैट इज द स्टूडेंट डाइवर्सिटी. इसके जो सब टॉपिक्स हैं इसमें आपका आ जाएगा लोकेशन, एक्सचेंज प्रोग्राम, देन मेल फीमेल रेशियो है आपका, स्टूडेंट प्रोफाइल है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलुमनाई कनेक्शन. तो फर्स्ट जो सब टॉपिक है लोकेशन, इसके बारे में बात करते हैं कि कौन किस टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे, किस लोकेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेंगे. तो आपको यहाँ पे विद इन स्टेट पुणे में आपके 18% ही स्टूडेंट आपको पुणे के लिए, ज़्यादातर स्टूडेंट जो होंगे आउटसाइड स्टेट के होंगे 82%, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, जो कि एक ड्रॉबैक है कि आपको यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं. देन एक्सचेंज प्रोग्राम, ये इनका दूसरा मेजर ड्रॉबैक है कि यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है. बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट में कोई एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सचेंज प्रोग्राम ये होता है कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ एब्रॉड जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके साथ टाई अप करते हैं, और वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ के कुछ स्टूडेंट के साथ स्वैप करते हैं. दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ विजिट करते हैं और उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरनेशनल या अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ के साथ स्वैप करते हैं. ये कुछ टाइम के लिए ही होता है, लाइक अराउंड 3 months और 6 months उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, वो उनको उस टाइम पे उस पीरियड पे वो कवर करना होता है. तो एज सच ये फैसिलिटी बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है. थर्ड है इनका एलुमनाई कनेक्शन, दैट इज द कितने स्टूडेंट्स जो हैं जो इस कॉलेज से, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट से पास आउट होके अच्छी जगह प्लेस होते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली जो है यहाँ पे 3500 प्लस ही है. अगर आप देखो तो 18+ ईयर हो चुके हैं इस कॉलेज को डेवलप हुए, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 3500 ही स्टूडेंट्स यहाँ से वेल एजुकेटेड एंड वेल सक्सेस जो है 3500 ही हैं, जो कि उतना अच्छा डेटा नहीं है. इससे ज़्यादा अच्छा होता है लाइक 10,000 अगर प्लस होते तो मैं कहती कि ये एक अच्छा डेटा है, बट 3500 इज नॉट अ वेरी गुड डेटा. एंड द स्टेप नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है मेल फीमेल रेशियो. स्टूडेंट्स आपको का जो रेशियो है जो मेल एंड फीमेल का है वो एज यूजुअल यहाँ पे मेल्स ज़्यादा है एंड फीमेल कम है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मेल यहाँ 54% है एंड फीमेल ओनली 46% है. देन द स्टूडेंट प्रोफाइल, आपको यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिलेंगे उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इस टॉपिक में बताया जाएगा. स्टूडेंट प्रोफाइल जो है मोस्टली एकेडमिक, दैट मीन्स फ्रेशर्स आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 0 to 1 year के ही मिलेंगे. ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टूडेंट इस कॉलेज को प्रेफर नहीं कर रहे, इस पॉइंट से हमें यही क्लियर आउट होता है. एकेडमिक स्टूडेंट ही दिस कॉलेज के लिए ऑप्ट करते हैं, दैट इज़ दी बालाजी. सो अकेडमिक स्टूडेंट आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं. सो इन दिस पैरामीटर में जो सब टॉपिक्स हैं इसको पूरा कंसिडर करके रिव्यू अड्डा की जो टीम है वो 2.5 thumbs देती है आउट ऑफ 5. थर्ड पैरामीटर इज दी फैसिलिटीज. ये इंस्टीट्यूट कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको सब टॉपिक्स बता देती हूँ. स्पोर्ट फैसिलिटीज है, देन आपका मेडिकल फैसिलिटीज, कैफेटेरिया, हॉस्टल, और द लास्ट पॉइंट है लाइब्रेरी. इन सब के बारे में आपको मैं ब्रीफली बता देती हूँ. अगर आप स्पोर्ट फैसिलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में काफ़ी लिमिटेड ही ऑप्शन है. उनमें से है फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, एंड बास्केटबॉल है यहाँ पे, एंड कैरम, दैट इज़ वेरी लिमिटेड. ये काफ़ी जनरल फैसिलिटीज़ हैं, ये आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मिल जाते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में.
मेडिकल फैसिलिटीज में भी आपके सिर्फ जनरल मेडिकल केयर और रेगुलर चेकअप वाली फैसिलिटी ही अवेलेबल है. एंड कैफेटेरिया देखा है तो टोटल 3 कैफेटेरिया कम मेस है आपके कैंपस के अंदर ही लोकेटेड है. एंड द थर्ड सॉरी फोर्थ वन इज द हॉस्टल. आपके हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है. कैंपस एरिया में ही आपको हॉस्टल है. एंड हॉस्टल में आपके जो लंच और डिनर का जो भी अरेंजमेंट है ये स्टूडेंट को खुद करना पड़ता है. सिर्फ ब्रेकफास्ट की अवेलेबिलिटी हॉस्टल प्रोवाइड करता है. ये एक काफी ड्रॉबैक है. एंड द लास्ट वन इज द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में जो इनका कलेक्शन है बुक्स का वो 80,000 प्लस है. एंड 185 जर्नल्स एंड मैगजीन्स हैं. 26 लोकल एंड नेशनल न्यूज़पेपर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे लाइब्रेरी में. और ऑनलाइन डेटा भी अवेलेबल होगा. तो अकॉर्डिंग टू दीज सब टॉपिक्स फैसिलिटीज पैरामीटर को रिव्यू अड्डा की टीम जो रेटिंग देती है वो है 2.5 आउट ऑफ 5 थाउजेंड. सो हमारा जो फोर्थ पैरामीटर है वो है प्लेसमेंट के ऊपर, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है स्टूडेंट के लिए. ओके, तो इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो है आपके हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेजेस, टाइप्स ऑफ कंपनी विजिटेड, नाउ योर फेमस एलुमनाई, एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, एंड कॉर्पोरेट परसेप्शन वैल्यू अबाउट द कॉलेज. तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ. हाईएस्ट एंड एवरेज जो प्लेसमेंट जाती है बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट की, यहाँ पे जो एवरेज पैकेज गया है वो है 5 लाख एंड हाईएस्ट जो गया है अब तक वो 16 लाख का पैकेज गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है रिकॉर्ड इनका प्लेसमेंट का. देन टाइप्स ऑफ कंपनीज जो यहाँ पे कंपनीज विजिट करती है प्लेसमेंट के लिए, मोस्टली जो कंपनीज यहाँ पे आती हैं वो है कंसल्टिंग की, बैंकिंग एंड फाइनेंस की आपकी कंपनीज विजिट करती हैं, एंड आईटीज की भी यहाँ पे कंपनी मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर आप देखें तो इस कैटेगरी की कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं. देन फेमस एलुमनाई अगर इनका देखा जाए तो फेमस एलुमनाई एज सच कोई नहीं है, जो कि एक ड्रॉबैक है. एम्प्लॉयमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, 90% एम्प्लॉयमेंट रेशियो है. काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस से भी अगर आप देखो तो इस कॉलेज का काफ़ी अच्छा है एम्प्लॉयमेंट रेशियो, दैट इज 90%. मतलब दैट मीन्स यहाँ प्लेसमेंट जो रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा गया है 90%. देन द लास्ट सब टॉपिक इज द कॉर्पोरेट परसेप्शन वैल्यू अबाउट द कॉलेज, दैट मीन्स कॉर्पोरेट की वैल्यूज, कॉर्पोरेट के आईज में इस कॉलेज की क्या वैल्यू है. तो अगर पुणे में हम देखें तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे कॉर्पोरेट परसेप्शन वैल्यू, तो सिम्बोसिस के नंबर वन प्रेफरेंस देती है कॉर्पोरेट. देन इसके नेक्स्ट ही आपका बालाजी है, बालाजी का सेकंड प्रेफरेंस देता है कॉर्पोरेट. तो अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर, दैट इज द फोर्थ पैरामीटर प्लेसमेंट रेटिंग के टर्म्स में, जो रिव्यू अड्डा की जो टीम रेटिंग देती है वो है 3 thumbs out of 5 thumbs. तो हमारा जो लास्ट पैरामीटर है वो है एडमिशन. एडमिशन के जो सब पॉइंट्स हैं वो है सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ और एलिजिबिलिटी, फीस, आरओआई, देन आपका है कॉलेज प्रेफरेंसेस बाय स्टूडेंट्स. ओके, तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपके 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में. सेकेंड टॉपिक जो है कट ऑफ एंड एलिजिबिलिटी. कट ऑफ और एलिजिबिलिटी आपका देखो, आप जो भी एमबीए कॉलेजेस में जाते हो तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है. और काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे कि कैट होता है, मैट होता है, जैट होता है, सी मैट होता है, MA, CET होता है. तो जो मिनिमम परसेंटाइल आपको चाहिए फॉर गेटिंग द एडमिशन इन द बालाजी वो है आपका 70%. मिनिमम 70% अगर आपके पास है और 50% ग्रेजुएशन में है आपके, तो आपका एडमिशन बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न में हो सकता है. और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो फीस एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो है 6.6 लाख, हॉस्टल फीस जो है आपकी 1.2 लाख, और मेस का आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख फीस है. ठीक है, अगर इसका हम टोटल करें तो टोटल आपका 9 लाख बैठता है फीस का. ओके, ये तो आपकी फीस हो गई, आपके 2 ईयर फीस हो चुकी है 9 लाख. नाउ द पॉइंट इज आरओआई, दैट इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. आपके 9 लाख आपको कब तक रिटर्न होते हैं, कितना टाइम पीरियड लगता है, वो है अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर. 4 ईयर मीन्स इसमें आपके 2 ईयर एजुकेशन भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, 2 ईयर एजुकेशन के एंड 2 ईयर आपके जॉब टाइम पीरियड को हम कैलकुलेट करके 4 ईयर बता रहे हैं. लास्ट पॉइंट है हमारा कॉलेज प्रेफरेंसेस बाय स्टूडेंट. स्टूडेंट्स जो है पुणे एरिया में कौन से कॉलेज को प्रेफर करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस बालाजी. बालाजी से पहले जो प्रेफरेंस स्टूडेंट प्रेफरेंस देते हैं जिस कॉलेज के लिए वो है सिम्बोसिस का. देन जो सेकंड प्रेफरेंसेस है स्टूडेंट की वो है आपकी बालाजी. सो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस पैरामीटर्स
एडमिशन पैरामीटर को रिव्यू अड्डा की टीम देती है यहाँ पे 2.5 थम्स आउट ऑफ 5 थम्स। सो बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट की ओवरऑल रेटिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।